भारत के अंदर में और विश्व हिंदू परिषद ने एक आवेदन पत्र जारी किया है और सभी प्रांत हमारे कलेक्टर साहब जी उनको हम लोग सब आवेदन पत्र दे रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आतंकी हमला हुआ है वो आतंकी हमला अपने जो शहीद हुए हैं वो दोबारा ना होए इसके कारण और हमारे जो पाकिस्तान आतंकवादी ने जो हमला किया और अपने सेना को जो छूट नहीं दिया जा रहा है अभी भी इसके लिए हम लोग उनको छूट दिया जाए और यही अपनी सही श्रद्धांजलि रहेगी। इसके लिए हम आपको आवेदन पत्र दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद मार्फत। क्या था ये कारण और किस तरह की बातें आपको समर्थन से हुई है? हम एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष के हिसाब से हम लोग ने आज हमारे कलेक्टर साहब को जो जम्मू पुलवामा में जो हुआ है आतंकी हमला उसी के बारे में हम लोग ने आज सभी संगठन मिलकर महाराष्ट्र जन सेवा संगठन हमारा ब्राह्मण सेवा संगठन यही और बहुत सारे संगठन मिलकर हम लोग ने भी आवेदन कलेक्टर साहब को दिया हुआ। किस बात को लेकर विशेष चर्चा हुई? कम से कम कलेक्टर साहब ने हमको एक दिलासा दिया है कि इसके ऊपर आपका जो कुछ हम लोग को आवेदन दिया है उसके ऊपर निर्णय तो जरूर निकलने वाला है। देश को पाकिस्तान से तो खतरा है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा हमारे देश में रहने वाले गद्दारों से है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो कन्हैया बोलता है कि देश के टुकड़े हजार होंगे, ऐसे लोग हमारे देश में आराम से घूम सकते हैं। वो उमर खालिद बोलता है हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे। और दो दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लड़का हाविज जैस ऐसा बोलता है, जब ऐसे सपोले देश में रहेंगे तो हमारे देश को सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे सपोलों से है। हाँ, अगर सेना अगर पाकिस्तान को आतंकवादी को यहाँ वहाँ पर निपटती है तो जब हम देश के नागरिक हैं तो ऐसे सपोलों को से निपटने का काम हमारा है। तो सब जागरूक होकर ऐसे हमारे घर के आजू बाजू जो सपोलों है उनको पहचाने और उनके तरफ सतर्क रह के जो है हम लोग इसके विरुद्ध एक्शन हो ऐसा हमारा काम है। जब अगर युद्ध होता है तो हमारा पहला काम यही है कि हम लोग सिविल वॉर ना होने दें और हमारे जो आजू बाजू जो लोग हैं ऐसों को ढूंढ के निकालें और हमारा जो समाज है हमारे देश के जो नागरिक है उनको प्रोटेक्शन देने का काम हमारा है। किस तरह की बातें आप लोगों की समर्थता के साथ हुई है? कलेक्टर साहब ने जैसे हम लोग को आश्वासन दिया कि मैं करूँगा और ये जो ये घटना हुई है इसके जरिए वो उन्होंने ही कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिलवासा में रहने वाले जो सिलवासावासी हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि शांति बना के रखें। वो अपनी तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसा भी कुछ ना हो कि जो सिलवासा में मतलब घटना घटे। इससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सिलवासावासियों को कि शांति बना के रखें। जो प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के प्रशासक और हमारे यहाँ के कलेक्टर ने सोचा है वो जरूर करेंगे, ये हमको आश्वासन दिया है और हमको विश्वास है। धन्यवाद।